तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आज है अमावस और हमारा प्लान बन गया है एकदम से जमुना जी नहा के आने का कि अमावस है चलो नहा के आ जाते हैं। तो बस अभी झाड़ू वगैरह निकाल के फिर जाते हैं जमुना जी नहाने और तैयारी वगैरह सारी कर ली है, पूजा का सामान वगैरह ले लिया, कपड़े वगैरह रख लिए, बस बच्चे सो रहे हैं अभी दोनों उठाने में, दोनों दूध पीने लगे हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को उठाते हैं फिर जाते हैं जमुना जी नहाने के लिए। अभी ये सारा सामान वगैरह रख लिया है, ये लोटा पानी वगैरह देने के लिए, इसमें दूध डाल लिया है और जोत वगैरह, और ये ना मम्मी आटे की बना लेती है, जो आटा बच जाता है ना तो उनसे ऐसे गोल गोल सी गोली बना लेती है कि वहाँ पे डालने के लिए मछली वगैरह अगर होंगी तो खाने के उनके काम आ जाएगी। क्योंकि आटा वगैरह गुड़ वगैरह पताशे सारा सामान रख लिया है इसमें। इसको इतनी देर से बोल रही हूँ कि बेटा आ जा ब्रश कर ले, मुश्किल से उठती है ना ये लड़की। मम्मा वहाँ पे मछली भी है, मम्मा वहाँ पे ये भी है, मम्मा वहाँ पे मैं बोटिंग भी करूँगी, मैंने कहा मैं चलाऊंगी वहाँ तेरे लिए नाव। पागल बेटी, तो दोनों उठा दिए मैंने, वो अभी गाय वाला आ गया तो उसको रोटी वगैरह देने के लिए बाहर चली गई और चाहत अभी ब्रश वगैरह करेगी, तो अब झाड़ू पड़ी है ये पड़ी मेरी यहाँ पे, तो अब जल्दी से झाड़ू निकाल लेती हूँ और फिर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी झाड़ू वगैरह लगानी शुरू कर दी थी और झाड़ू वगैरह लगा के पोछा तो फिर मैंने आने के बाद ही और काम किया था, बस झाड़ू सुबह लगा के चले गई थी और उसके बाद निकल गए थे जमुना जी नहाने के लिए। और यहाँ पे चल रही थी डीवू के लिए पोयम, क्योंकि बिना पोयम के लड़की गाड़ी में बैठती नहीं है और इसको ना थोड़ा सा वोमिटिंग भी होने लग जाती है गाड़ी में बैठते ही, पता नहीं ये कहाँ से इसको ये लत लगी। इसको वो बोलते हैं ना तेल चढ़ता है, तो इसके वही होता है, गाड़ी में बैठते ही थोड़ी सी दूर ही गए थे, थोड़ी सी दूर जाने के बाद इसने वोमिटिंग कर दी, तो उसको साफ वगैरह किया वहाँ पे रोके, बस अभी थोड़ी सी देर में फिर हम पहुँच गए थे। और गाइस भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी और हम गए थे तब तो सब नहा के भी चले गए थे और ना बहुत कम पानी था, लेकिन मज़ा बहुत आया। और यहाँ पर मैं नहाने लग रही हूँ और बच्चों को मैंने नहीं लिया क्योंकि फिर कुछ गाइडलाइंस होती है यूट्यूब की, उसकी वजह से तो पानी बिल्कुल ही थोड़ा था और ये बिल्कुल बीच में गई हुई थी मैं, और बड़े मजे आ रहे थे ना। मैं पहली बार नहाई हूँ क्योंकि मैं जितनी बार भी गई हूँ ना मैं हाथ मुँह धो के और वैसे ही आ जाती थी, तो लेकिन अब नहाने के बाद बड़ा अच्छा अच्छा सा फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा था। तो बस अभी नहाने के बाद फिर हम चले गए थे मंदिर में, और आप लोग देखो कि ये इतनी बड़ी है लेकिन एक साइड वाली बिल्कुल खाली पड़ी है, जो मंदिर है ना वहाँ पे वो उस साइड का पूरा पानी इन्होंने रोका हुआ है, दूसरी साइड आना था हमें तो दूसरी साइड आके फिर नहाए। और भीड़ आप लोग देखो कि कितनी हो रही है, और अभी तो पब्लिक आए जा रही थी और ये पूरा खाली पड़ा था यहाँ पे। और आगे मम्मी वगैरह चल गए और उसके बाद हम आ गए थे मंदिर में, यहाँ पे आने के बाद पूजा वगैरह करी मंदिर में, और यहाँ पे गौशाला वगैरह भी है तो गाय वगैरह के लिए भी थोड़ा बहुत जो खाना वगैरह था वो डाला उनको। और यहाँ पे मैं कर रही थी भोलेनाथ की पूजा, अपनी पूजा वगैरह करने के बाद थोड़ा सा गाय वगैरह को बच्चों को भी देखनी थी तो उनको दिखा के फिर हम आगे थे वापस। Thank you.
हम जमुना जी होके आ गए हैं और आने के बाद थोड़ा बहुत जो घर का काम रह रहा था, क्योंकि मैं सुबह झाड़ू निकालती गई थी, उसके बाद पोछा वगैरह लगाया और फिर कूलर वगैरह निकाले मम्मी के कमरे का, क्योंकि अब गर्मी होने लगी तो मम्मी को गर्मी लग गया, तो कूलर वगैरह साफ़ किया, जो कपड़े थे वो अच्छे से धोए, उनमें इतनी ज़्यादा रेती घुस गई उनके अंदर, तो वो बड़े मुश्किल से धोया मैंने, अभी नहीं निकले, थोड़े बहुत रह गए, लेकिन सूखने के बाद एक बार झाड़ दूँगी तो सारे निकल जाएंगे। तो बस अभी नहा, मैं दोबारा नहाई हूँ रात को, क्योंकि आने के बाद काम वाम भी करा और ऊपर धूप में थी, कूलर वगैरह साफ़ कर रही थी, तो सोचा कि पेड़ों में पानी भी दे दूँ, फिर मैंने पेड़ों में पानी भी दे दिया, तो फिर मेरे को लग गई गर्मी ज़्यादा, तो फिर मैंने चाके नहा ली और ऐसे ही मट्टी मट्टी सी भी सर में हो रही थी, तो फिर मैंने हेड वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया अपना, दोबारा से नहा ली मैं बस अभी इसी। और अभी टाइम रहा 1:30 बज गया, देख लो सुबह, मैं सुबह 5 बजे की उठ गई और अब लेट हूँ यार थोड़ी सी देर, मैं थक गई बहुत ज़्यादा। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पंखा चल रहे तो शायद आवाज़ थोड़ी कम आ जाएगी, कोई नहीं कोऑपरेट कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।